नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी का किला ध्वस्त करने के बाद भाजपा जस में डूब गए। केंद्रीय कार्यालय से लेकर मतगणना स्थल तक भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जस मना रहे हैं। जीत के बाद केंद्रीय कार्यालय पर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जस मना रहे थे। इसी दौरान दिनेश लाल यादव निरहुआ पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हो गया। ढोल नगाड़े की थाप और फूलों की वर्षा के साथ नवनिर्वाचित सांसद का भाजपा ने स्वागत किया। स्वागत के साथ ही भाजपा नेता दिनेश लाल यादव जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए मतगणना केंद्र के लिए रवाना हो गए। वहीं भाजपा की महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने जीत के लिए आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद दिया। और पूजनीय मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार जो चल रही है और जिस तरह से पूरे देश में अच्छा काम हो रहा है, कहीं न कहीं आजमगढ़ भी उसी से प्रभावित होकर के और यहाँ कमल खिलाया है। एक उम्मीद में कमल खिलाया है कि जैसे बाकी जगह का विकास हो रहा है, वैसे आजमगढ़ का भी होगा और इस उम्मीद पे हम लोग खरा भी उतरेंगे। अब आजमगढ़ कमल खिला है, इसे लेकर के हम जाएंगे अपने प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हम लोग के पास समय कम है और काम ज़्यादा है, तो दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को भी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी आजमगढ़ पे फोकस करके और विशेष रूप से आजमगढ़ के लिए कृपा करके कार्य कराना पड़ेगा, तो ही उम्मीदों पे हम लोग खरे उतर पाएंगे जो आजमगढ़ की जनता ने उम्मीद से कमल खिलाया है। जनता का ये मानना है कि अब सांसद जी का आवास भी आजमगढ़ जनपद में होगा। 100% होगा, आजमगढ़ में ही होगा। और आजमगढ़ में वैसे भी मेरा, आप लोगों को बता दूं, मेरी मौसी का घर आजमगढ़ ही है, मेरे बुआ का घर आजमगढ़ है, मेरी दीदी का घर आजमगढ़ है, तो जिनको लगता है कि मैं बाहर से आया हूँ वो लोग भ्रम में हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरा पूरा बचपन आजमगढ़ में बीता है। मैं ज़्यादातर, मेरे दोस्त मित्र साथी और जितने सहयोगी हैं सब आजमगढ़ में हैं। जितने साथी कलाकार आपको दिख रहे थे चुनाव के दौरान, वो सब आजमगढ़ के हैं, तो मैं आजमगढ़ में ही रहूँगा और आजमगढ़ के लिए काम करने ही आया हूँ। और जी दिनेश जी, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि नाचने गाने वाले लोग हैं, उनकी राजनीति क्या जरूरत है, क्या जवाब देना चाहेंगे आज? नहीं, मैं उनको जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है जनता ने उनको जवाब दे दिया है और हम लोग तो बस अब जनता के सेवक बने हैं, जनता की सेवा करेंगे। उनको जैसे जनता ने जवाब दिया है, उनको जवाब मिल गया है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।